पेज नंबर 17 पे आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये प्रॉब्लम अंडर सब्सक्रिप्शन का है कि नागपुर पेपर कंपनी लिमिटेड नागपुर इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 50 ईच। 50,000 शेयर इशू किए 50 रुपये ईच के हिसाब से, यानी उसकी फेस वैल्यू 50 रुपीज़ है और 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए। पेएबल रुपीज़ 10 ऑन एप्लीकेशन, ये 50 रुपये में से 10 रुपये एप्लीकेशन पे पेड करना है। रुपीज़ 20 एन अलॉटमेंट पे, 20 रुपये अलॉटमेंट पे और रुपीज़ 10 ईच ऑन सब्सिक्वेंट कॉल्स और आगे के कॉल पे 10 रुपये। मतलब 10 रुपये एप्लीकेशन पे 10 और अलॉटमेंट पे 20, 10 और 20 30 रुपीज़ हो गए, आगे के बचे 20 रुपीज़, तो 10-10 रुपये के नेक्स्ट कॉल रहेंगे फर्स्ट और फाइनल। सो 40,000 शेयर्स वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, 40,000 शेयर सब्सक्राइब किए गए एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड और पैसा भी मिल गया। सो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्रीज कैश बुक एंड बैलेंस शीट। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम है क्योंकि 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए थे जिसमें से कि 40,000 शेयर जो है वो सब्सक्राइब किए गए। तो अभी आप देखिए पेज नंबर नेक्स्ट जो आपको नोट्स दी गई है उसमें 18 पेज नंबर पे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, गलती से इसने नागपुर के जगह मेहकर कंपनी लिमिटेड लिखा तो नागपुर कंपनी लिमिटेड। तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट जो रहेगी वो 10 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी पे है। तो 40,000 शेयर जो है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, 40,000 शेयर इंटू रुपीज़ 10 बोले तो 4 लाख रुपीज़ की जो अमाउंट है वो एप्लीकेशन मनी के तौर पर प्राप्त होगी। और नरेशन दिया हुआ है कि आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ 40,000 शेयर पे एट रुपीज़ 10 के हिसाब से। ओके, पिछले प्रॉब्लम में भी आपने ये एंट्री देखी थी। सो ये एप्लीकेशन मनी के तौर पर जो आपको मनी प्राप्त होता है ये अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है शेयर कैपिटल को। तो सेकेंड एंट्री जो है वो आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट उतनी ही 4 लाख बींग एप्लीकेशन मनी फॉर 40,000 शेयर एट रुपीज़ 10 ईच ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और ट्रांसफ़र होने के बाद रहेगी आपके अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। तो लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने देखा कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू ऑन 40,000 शेयर और आपको अलॉटमेंट पे लेना है एप्लीकेंट से 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 40,000 इंटू 20 शेयर अमाउंट हो जाएगी 8 लाख रुपीज़। उसके बाद ये अमाउंट जो आपने डिमांड की, ये जो ड्यू है, उसके बाद एंट्री नंबर 4 में ये अमाउंट आपको रिसीव्ड होगी। तो एंट्री पैसे मिलने की एंट्री होगी, अमाउंट प्राप्त होगी बैंक के माध्यम से, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और जिस वजह से वो पैसा आया है दैट इज़ द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट आपकी 8 लाख। ओके, और नरेशन में जो आएगा वो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर एट रुपीज़ 20 ईच, ये आपकी अलॉटमेंट मनी की एंट्रीज होगी, एंट्री नंबर 3 और 4। उसके बाद भविष्य में फिर से आप जो फर्स्ट कॉल, जो कॉल्स मनी है 20 रुपये बचे हैं, तो ये 20 रुपये को आप 10-10 रुपीज़ करके 2 बार बुला रहे हो 40,000 शेयर पे। तो फर्स्ट एंट्री ड्यू की, सेकेंड एंट्री जो है वो अमाउंट मिलने की, फर्स्ट एंट्री ड्यू की और सेकेंड एंट्री अमाउंट जो है वो मिलने की। इस तरीके से इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट होगा, फर्स्ट कॉल कहेंगे इसको, तो इसकी जो अमाउंट है दैट इज़ द 4 लाख बीइंग कॉल मनी ऑन 40,000 शेयर एट रुपीज़ 10 ईच मेड ड्यू। तो 40,000 इंटू 10 4 लाख, फिर ये अमाउंट आपको प्राप्त होगी। तो क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि अमाउंट नहीं मिली, पूरी मिली ऐसा ही कहा गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो बैंक अकाउंट है वो आपका डेबिट होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी वर्ड फिलहाल ड्रॉप भी कर दे तो चलेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देन सेम एंट्री रिपीट होगी फाइनल कॉल के वक्त,
कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट अमाउंट वही रहेगी 40,000 शेयर इंटू 10 के हिसाब से 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब फिर लास्ट में ये अमाउंट आपको प्राप्त हो जाएगी तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग कॉल मनी ऑन 40,000 शेयर एट ₹10 ईच रिसीव्ड। इस तरीके से आपकी 8 एंट्री होगी। शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको कि फर्स्ट एंट्री आपकी शेयर बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, थर्ड आपकी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी, सो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट मनी जब रिसीव हो जाता है तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर आप कॉल की डिमांड करते हो तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री हुई, फिर पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और इसी तरीके से आप सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री पास करोगे तो शेयर फाइनल कॉल की, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू की एंट्री, और फाइनल कॉल की अमाउंट रिसीव जब हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से आपकी 8 एंट्रीज हो गई। सेम चीज़ लास्ट टाइम मैंने आपको अकाउंट मेंटेन करना सिखाया है, आपको पेज नंबर 19 पे अकाउंट्स दिए हैं, जहाँ जहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है वहाँ बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना है। तो पहली बार बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 4 लाख से, अब बैंक अकाउंट के डेबिट में आप ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट दिया हुआ है आपके नोट्स में, तो डेबिट में एक बार एप्लीकेशन मनी के तौर पर आपको 4 लाख रुपीज़ प्राप्त हुए, वो 4 लाख रुपीज़ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। फिर आपको अलॉटमेंट के 40,000 इंटू 20 रुपीज़, इसने गलती से 4,000 लिखा है यहाँ पर, 40,000 इंटू 20 रुपीज़ 8 लाख रुपीज़ की रकम आएगी। फिर एक एंट्री और है फर्स्ट कॉल की, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट की 40,000 इंटू 10 4 लाख, और फाइनल कॉल सो जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख। इस तरीके से टोटल जो है वो आपको 20 लाख रुपीज़ की रकम प्राप्त होगी, 4 + 8 = 12 + 4 = 16 + 4 = 20 लाख। इस तरीके से आपके बैंक में 20 लाख रहेगी, और क्रेडिट में गलती से बाय बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, वो बाय रहेगा क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे बाय बैंक अकाउंट गलती से लिखा है, वहाँ आएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस बैंक अकाउंट का दिखेगा 20 लाख रुपीज़। उसी तरीके से इसके पहले के प्रॉब्लम में मैंने आपको शेयर एप्लीकेशन मनी के बारे में भी बता दिया था कि शेयर एप्लीकेशन पहली फर्स्ट एंट्री में, एंट्री नंबर 1 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था बाय बैंक अकाउंट से, इसीलिए शेयर एप्लीकेशन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट 4 लाख, और बाद में वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है शेयर कैपिटल को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, इसीलिए शेयर एप्लीकेशन के डेबिट में टू शेयर कैपिटल 4 लाख। इस तरीके से एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट आपका अकाउंट है वो शेयर कैपिटल अकाउंट है, तो शेयर कैपिटल आपका देखिए कितने बार क्रेडिट हो रहा है, एंट्री नंबर 2 में जब आपने अमाउंट शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की तब आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, फिर अलॉटमेंट के ड्यू के वक्त, अलॉटमेंट ड्यू की जब आपने एंट्री पास की तो अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था 8 लाख से, वो एंट्री नंबर 2 में आपको नज़र आएगा। तो ये और एक फिर उसके बाद में शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू और शेयर फाइनल कॉल ड्यू, इस तरीके से आपके एप्लीकेशन मनी जब आपने ट्रांसफ़र किया उसकी 4 लाख की एंट्री, 2 लाख की एंट्री अलॉटमेंट की, 4 लाख की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल की, और शेयर फाइनल कॉल की जो है वो 4 लाख। इस तरीके से 20 लाख रुपीज़ आपके शेयर कैपिटल में, फिर डेबिट में जब आप इसको क्लोज करोगे, क्रेडिट की टोटल हो रही है 20 लाख, तो टू क्लोजिंग बैलेंस के नाम से 20 लाख रुपीज़ नज़र आएगा। इस तरीके से आपका शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा। पेज नंबर 20 पे इसी तरीके से बाकी अकाउंट्स आपको दिए हैं मैंने, फर्स्ट प्रॉब्लम में वो सारे आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इसके पहले के वीडियो में आपको मैंने बताया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जब डेबिट हो रहा है तो
तो डेबिट में इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल के नाम से, और उसके बाद में शेयर अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है। सेम चीज़ फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बारे में भी सेम चीज़ होगी। इस तरीके से ये पूरा प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करना है आपके रजिस्टर में, और ये सारे अकाउंट्स आपको बनाने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।